गई। आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। ये राम राज्य क्या है? राम राज्य राम राज्य को अनेक लोगों ने अनेक तरह से समझा व समझाया है। किसी ने धर्म के माध्यम से, किसी ने दर्शन के माध्यम से, किसी ने उसे कहानी का एक घटना क्रम ही माना है, किसी ने उसे संस्कृति के नजरिए से भी देखा है। चलो मैं आज तुम्हें यह एकांकी के माध्यम से समझाऊंगी, जैसे आज मंच पर गांधी सदन के बच्चे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलो उससे पहले हम सभी का अभिवादन कर लेते हैं। सुप्रभात आदरणीय शिक्षक वृंद एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं सृष्टि चौबे कक्षा आठवीं ब की छात्रा और मैं अनन्या उपाध्याय कक्षा चौथी ब गांधी हाउस की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके सामने एक एकांकी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है राम राज्य। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। धन्यवाद। मेरे राम आएंगे, मेरे राम अवश्य आएंगे, राम मेरे राम आएंगे। नहीं नहीं पुत्र, इन फूलों को अपने पैरों से मत कुछ लो, इन्हें तो मैंने अपने प्रभु श्री राम के लिए बिछाया है, तुम कोई और मार्ग ले लो। माता आप प्रतिदिन पुष्पों से रास रहती हैं, परंतु कौन है ये राम, ये कहीं आएंगे, क्या आप उन्हें जानती हैं? अपनी इस पागल कमल भक्ति को क्या दे माँ, आप लड़की उनका इंतजार कर रही है माँ। सत्य कहा पुत्र, भक्त तो सदा अपनी आराध्य की भक्ति में पागल रहता है। मेरे गुरु मार्तंड ऋषि ने मुझे बताया है कि सबरी एक दिन प्रभु श्री राम अपने अनुज के साथ अपनी भार्या सीता को खोजते हुए तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें उनकी सहायता करनी है, वे ही तुम्हारी ज्ञान पिपासा का अंत करेंगे। मैं नहीं जानती राम कौन है, कैसे है, कहाँ है, मुझे तो बस अपने गुरु की वाणी पर भरोसा है कि मेरे सांस टूटने से पहले मेरे प्रभु श्री राम मुझसे मिलने अवश्य आएंगे। मेरे राम आएंगे, मेरे राम अवश्य आएंगे। यह तो अपनी राम की भक्ति में पूरी पागल हो चुकी है। चलो मैं दूसरी राह से चलता हूँ। भ्राता श्री मन में एक शंका है, पूछो लक्ष्मण क्या शंका है। भ्राता श्री क्या इस गहन मन में हमें सबरी से मिलना आवश्यक है? आप तो अंतर्यामी हैं, वह दीनहीन अबला भिन्नी भला हमारी मदद क्या करेगी? लक्ष्मण सभी शंकाएं वहाँ जाकर दूर हो जाएंगी, तनिक और प्रतीक्षा करो, देखो पास से ही पुष्पों की सुगंध आ रही है, लगता है माता सबरी की कुटिया यही कहीं है। प्रातः श्री हो रही सबरी की कुटिया, सुनो लक्ष्मण। ये सुंदर चरण कमल तो मेरे प्रभु श्री राम के हैं। यहाँ तो आना ही था माता, दोस्त का क्या मूल्य। जानती हो राम तुम्हारी प्रतीक्षा मैं तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे, तुम्हारी प्रतीक्षा में तो मेरी पल के झपकना तक गिर गई थी। ये तो यदि नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे हो, क्यों आ गए मेरे पास। मुझे तो बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत अवश्य करेगा। राम तभी तो मेरे जन्म से पूर्व ही यह निश्चित हो चुका था कि राम को सबरी के आश्रम में जाना है। एक बात बताऊं मैं, दो भाव होते हैं, पहला मर्कट भाव और दूसरा मार्जार भाव। जिस प्रकार
बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति से अपनी माता का पेट पकड़े रहता है, क्योंकि उसे सबसे अधिक भरोसा अपनी माँ पर होता है। मैंने भी अपने गुरु की इस भाव से भक्ति की कि मुझे भी अपने गुरु पर उतना ही भरोसा था। और दूसरा भाव मारदार भाव, मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माता को पकड़ती नहीं बल्कि निश्चिंत बैठी रहती कि माँ है ना, वह स्वयं उसकी रक्षा करेगी। मैं भी आपकी प्रतीक्षा निश्चिंत होकर कर रही थी प्रभु। बुराई में ही बनी अच्छाई छिपी होती है ना? आप कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ दूर दक्षिण की मैं, तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की एकमात्र बिल्ली। अगर रावण का वध नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते राम? राम में ना पढ़ूंगा, राम के रावण का वध करने आया है। अरे रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैरों से बाण चलाकर ही कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन मन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माता, ताकि हजारों वर्ष बाद यदि कोई व्यक्ति हमारी मातृभूमि के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर कहे यही वो राष्ट्र था जिसे क्षत्रिय राम और उनकी भिलिनी माँ ने मिलकर गढ़ा था। यदि कोई हमारी राष्ट्र की परंपरा पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पड़े कहे नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसमें एक राजपुत्र ने वन में प्रतीक्षा करते हुए दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकारता है। राम वन में बस इसीलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि जब सत्ता पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है वही राम राज्य है। राम वन में बस इसीलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती है। राम की वन यात्रा रावण से युद्ध के लिए नहीं है माता, राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए, आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि माँ की अवांछनीय इच्छाओं को पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि जन जन को यह सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का बदला असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भविष्य समझ सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि भविष्य को सीख दे सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। और राम आया है ताकि युग युगों को यह संदेश दे सके कि विदेश में बैठे शत्रुओं के विध्वंस से पहले हमें देश में बैठे उनकी समर्थकों के खाओ की नाक काटी जाए और घर दूसरों का घमंड तोड़ा जाए। राम आया है ताकि दास को संदेश दे सके कि गुरु भविष्य दृष्टा होते हैं, उनकी वाणी सत्य होती है, वे राह प्रशस्त करते हैं। और राम आया है ताकि राष्ट्र को यह संदेश दे सके कि राष्ट्र का निर्माण राम और सभी दोनों ही करते हैं। राधा श्री, मैं धन्य हुआ, मेरी सारी शंकाएं भी दूर हो गई। देर खा गई राम? खाए भी मैं जाऊंगा भी नहीं माँ। आइए प्रभु, आपकी आगमन से मेरी कुटिया धन्य हो गई प्रभु। आइए प्रभु, विराजिए प्रभु, विराजिए। राष्ट्र का निर्माण करते हैं, जहां
जहाँ एक ही तट पर बाघ और बकरी पानी पीते हैं, इसे ही हम राम राज्य कहते हैं। धन्यवाद।